वैसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 99 ही आए, 1% क्यों नहीं करनी चाहिए कि मानव का तन गलतियों का पुतला है, कहीं गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसलिए भगवान नहीं रहे। कंस की दो पत्नी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति, उनका भाई था जरासंध, उससे जाके कह दी कि तुम्हारे दामाद को तो कृष्ण ने मार दिया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया लेकिन परास्त हो गया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया, 17 बार आक्रमण किया, परास्त हो गया। उसने क्या किया कि ब्राह्मणों को निमंत्रण किया, अनेक ब्राह्मणों को निमंत्रण कराया, करके जिमा के और जेल में बंद कर दिया। उसने कहा की बार यदि मैं युद्ध में जीत गया तो तुमको इतना धन दूंगा कि जीवन में कमाने की जरूरत नहीं, और यदि मैं हार गया तो तुम्हें आते ही मार डालूंगा। अब सभी संतों ने, सभी ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान रण में खड़े हैं। भगवान ने बड़े भाई बलराम से कहा कि भैया ब्राह्मणों की और संतों की हत्या हो जाएगी, भाग चलो। बोले हम नहीं भागेंगे, हम क्षत्रिय हैं, हमसे रण चोर कहेंगे। बोले कोई बात नहीं, चीर चोर कहते हैं, चित चोर कहते हैं, रण चोर और कह लेंगे। और रण को छोड़कर बलराम जी को लेकर वहां से भाग गए। बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की। पर्वत पर जाकर रहने लगे, वहां भी अग्नि लगवा दी। तब भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के अंदर सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण किया। भगवान समस्त यदुवंशियों को लेकर द्वारिकापुरी में जाकर रहने लगे और भगवान कृष्ण द्वारिका के अधीश बने, द्वारिका के स्वामी बने, राजा बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान जय। बलराम जी का विवाह माता रेवती के साथ में। भगवान द्वारिका के राजा हैं। इधर कुंदनपुर के एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्म जी महाराज, जिनके यहाँ पर कोई पुत्री नहीं थी, पुत्र ही पुत्र थे। भगवान से बड़ी प्रार्थना की। एक दिन समुद्र में नहाने गए तो कमल के फूल पर एक कन्या प्राप्त हुई, उसका नाम उन्होंने रुक्मणी रख लिया, क्योंकि बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, रुक्मी की बहन रुक्मणी, रुक्मणी नाम रख लिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो कन्या बड़ी होने लगी, और जैसे ही वो कन्या बड़ी हुई उसे पढ़ने के लिए भेजा, हर प्रकार का ज्ञान अर्जित किया। हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करके वो कन्या जब बड़ी हुई तो राजा भीष्मक ने सोचा कि मैं अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में। लेकिन रुक्मिणी का जो सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम रुक्मी था, रुक्मी ने सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करूं। शिशुपाल को भगवान द्वारिकाधीश से बड़ा बैर रहता था। भगवान ने उसे छूछ दे रखी थी कुंती बुआ जी के कहने पर, तू 99 मुझे गाली देगा तो माफ कर दूंगा, लेकिन जब 100 से एक भी ऊपर हो गए उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शिशुपाल के साथ का जब नाम लिया तो मैया रुक्मिणी अपनी भाभी जी के पास गई और भाभी जी से कहा कि भाभी जी मैंने अपने मन से द्वारिकाधीश को पति रूप में चुन लिया है, और पिताजी भी चाहते हैं कि मेरा विवाह
द्वारिकाधीश के साथ आता, लेकिन मेरे भैया है ना रुक्मी, वो नहीं चाहते कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, वो चाहते हैं कि हमारा विवाह सुसुपाल के साथ में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैया रुक्मिणी से भाभी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, एक पार्टी लिख दो द्वारिकाधीश के लिए, एक पाती लिखते दो और मेरे यहाँ से जो ब्राह्मण आए हैं उनको वो पाती दे दो, तो वो ब्राह्मण उस पाती को तुम्हारी को द्वारिका पहुंचा देंगे। बड़ी सुंदर रुक्मिणी मैया ने पाती लिखी, ऐसे ऐसे सब उसमें लिखे हैं, मैया ने बड़ी बड़ी सुंदर बातें लिखी कि मैं राजा भीष्मत की पुत्री आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम रुक्मिणी है, हे प्रभु द्वारिकाधीश मैं आपको मन वचन और कर्म से पति रूप में चुन चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा विवाह आपके साथ हो, मेरे पिताजी भी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ हो, लेकिन मेरे भाई, मेरा भाई रुक्मी नहीं चाहता कि मेरा विवाह आपके साथ हो, वो चाहता है कि मेरा विवाह सुसुपाल के साथ हो, और हे स्वामी अगर मेरा विवाह आपके साथ नहीं हुआ तो मैं प्राण तज दूंगी, लेकिन और किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसी सुंदर पाती लिखी, अगर आप ये कहें कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैंने आपको देखा नहीं है, तो हे प्रभु इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता हो, और देखने की बात तो ये है प्रभु आपकी सुंदरता के तो इतने चर्चे हैं, इतने लोग दीवाने हैं, प्रभु मैंने आपको अपने दिल की समस्त बात आपके चरणों में रखी है, मेरी बात का मान रखना, और पाती लेकर के ब्राह्मण जो हैं वो द्वारिका के लिए जाने लगे। द्वारिका में देखा भगवान द्वारिकाधीश गद्दी पर बैठे हुए, ले जाकर के पाती उनके हाथ में थमा दी, द्वारिकाधीश ने वो पाती पढ़ी, उसमें बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द लिखे हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि आप चलते हो कि हम जाएं, पाती पढ़ ली हो तो हमें आज्ञा दो हम जाएं, भगवान ने कहा जाते गाँव हम साथ में चलते। अब द्वारिकाधीश रथ लेकर के चले और मैया रुक्मिणी ने उस पाती में ये भी लिखा है कि प्रभु मैं कात्यायनी माता का पूजन करने आऊंगी, आप वहीं आ जाना और माता के सामने ही आप मुझे वर लेना और मैं आपके साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती। तालियों में दम नहीं है। अच्छा सुनो, आप परेशान हो गए होंगे ताली बजाओ जाके, है ना, लेकिन कल कल और बजा दो, एक कल ही और बजा दें, परसों नहीं बजा दें, परसों तो हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर, है ना, हम ब्रजवासी जहां से आए थे वहीं उड़ जाएंगे, हम तो पक्षी हैं। फिर कभी ठाकुर जी इच्छा करेंगे, भगवान ईश्वर आदेश करेंगे तो फिर कभी आएंगे, इसका मतलब आप हमें बुलाओगे जरूर, आपको तालियों में दम है भाई। अब द्वारिकाधीश पाती को पढ़ करके और ब्राह्मण देवता को बिठा करके जब चलने लगे, तब सामने से बलराम जी आ गए, आकर के कहने लगे कि कहां जा रहे हो, बोले जा कहां रहे, भीष्मक राजा की पुत्री का स्वयंवर है तो श्रीमान जी वहां जा रहे, पंडित जी बोले, बोले हाँ हाँ जरूर जाना चाहिए,
हमारे लाला तो ब्याला खो गया है। इधर मैया रुक्मणी ने आज अपनी सखियों से कहा कि मुझे सुंदर सा सजा दो और मैं कात्यायनी माता का पूजन करने जाऊंगा। सुजन में बन जा बन गोपाल लो फिर जुड़ लो अमर हुई जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे ऐसी सजा दो सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
आप सभी लोग थोड़ा आगे आ जाए, पंडित जी फेरे करा दे। अब पहले रुक्मिणी मैया माला डालेंगे, डालो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मनोहरि। जोर से ताली बजा। शास्त्री जी जब से मंच पे आए सुन रहे हैं, वहां पे कुछ पता है चलते जाएंगे। हमारे बाबा रामगिरि जी महाराज जो इतने
पवित्र आत्मा हमारे बीच में बैठी है, उनके आशीर्वाद से इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी होते रहे। मैंने बहन प्रिया किशोरी जी के बारे में बहुत सुना, ये पढ़ी लिखी है, साइंस से बीएससी की है इन्होंने, आगे ये पीएचडी करना चाहती हैं। मैं भी एमए कर रही है संस्कृत में, आगे ये पीएचडी तक करना चाहती हैं। बहन जी इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों को छूते रहे, हम प्रभु से यही आशा करते हैं। आप सभी को आने वाला जो नया वर्ष है 2023 जो कल के बाद शुरू होने वाला है, आप सभी को उसकी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जोर से ताली बजाओ। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहन जी ने मेरे को बोलने का मौका दिया, आप सभी को और बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां से स्वागत करो जोर से। किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, चुन कर सुंदर हार बनाया, कलिया चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत भक्त सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत भक्त वो जिसने तुझे सजाया, सजाकार रहे हर बार सांवरे, सजाकार रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, चंदन केसर लगाया, मस्तक पर मरिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, जोर मुकुट कानों में पंडित ब्रह्मा Oh,
दिल दीवाना